हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जहाँ होंगे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आप टॉरस आए हैं आप यहाँ विद मी सुष्मिता टू गेट योर टैरो रीडिंग्स। तो आज हम करने वाले हैं कि आपका साल 2022 कैसे रहने वाला है टॉरस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस पॉइंट पर कि आप करें वीडियो को पॉज ताकि हम कर सके फोकस ऑन योर रीडिंग एंड आप भी अपने मन में वो चीज़ें सोच सकें, सवाल सोच सकें जिनके जवाब आपको इस रीडिंग से चाहिए। टॉरस, तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रीडिंग होने वाला है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम डिवाइन एंड एंजल्स फॉर 2022 टॉरस। एंड वी हैव टेम्परेंस का कार्ड, नेक्स्ट है एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लास्ट कार्ड इज द सन कार्ड। काफी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे टॉरस। एंड सैजिटेरियस फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग फायर एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में वाटर भी है। आप कहाँ हैं यहाँ पर? ओके, यहाँ पे सन कार्ड भी है, फायर एनर्जी बहुत डोमिनेंट है। तो टॉरस आपके लिए ये रीडिंग है कि सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड, पूरी रोशनी, सूरज की रोशनी, सूर्य देवता आपके साथ है। साल का एंड पार्ट मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है। आप हर एक डोमेन में एक्सेल करेंगे, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, एग्जाम्स हो, बिजनेस हो। सन कार्ड है, आपकी किस्मत चमकाने के लिए आया है यहाँ पर। साल की शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है क्योंकि आपको बैलेंस करके चलने का मैसेज दिया जा रहा है। एंड देर इज सम कम्युनिकेशन, आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आएगा। मैं देखती हूँ किसी दूसरे देश से कम्युनिकेशन आ रहा है। हाँ, रिटन कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं और ये आपके लिए सक्सेस का मैसेज ला रहे हैं। ये जो भी मैसेज आ रहा है आपको ईमेल से, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, काफ़ी अच्छा मैसेज है। वर्बल कम्युनिकेशन भी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले आएगा आपको ये रिटन कम्युनिकेशन। घर पे भी लेटर डिलीवर हो सकता है, स्पीड पोस्ट ये हो सकता है। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ ये इंटरनेट कम्युनिकेशन है क्योंकि यहाँ पे फायर है, वॉन्ड्स हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स और दूर से ये आ रहे हैं आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज लेके, एक्शन लेके, और आप बहुत खुश हो जाओगे विद द न्यूज दैट दे कम। ओके, देखते हैं कि लव एंड रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। ये तो करियर फाइनेंसिस के ऊपर ही ज्यादा फोकस दिख रहा है। और अगर आप इस साल कंसीव कर रहे थे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको बेटा होगा। रिलेशनशिप में अगर पार्टनर ढूंढ रहे थे तो आपके पार्टनर की भी वही फीलिंग्स हैं जो आपकी फीलिंग्स हैं। दैट इज़ गुड। साल का एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है इन एवरी डोमेन, जैसा मैंने बताया। अभी देखते हैं लव एंड रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड है न्यू लव। मैंने कहा ना, यहाँ पे सन का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव है। आप इनसे, ये जो भी है नए इंसान आपकी लाइफ में, इनसे ऑनलाइन भी मिल सकते हैं या फिर ये कहीं दूर से आए हैं ट्रैवल करके टू कम इन योर लाइफ। सेकेंड कार्ड है आपके लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आई फील आपके सोलमेट हैं। हाँ, सोलमेट हैं और इनका और आपका मिलना डेस्टिन है। शिफ्ट कुछ ऐसा होगा एनवायरनमेंट में जो आपने सोचा नहीं होगा और ये आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। और सेकेंड कार्ड है मेरे पास, लास्ट कार्ड जो है, थर्ड कार्ड सॉरी, वो है फ्लर्ट। तो काफ़ी लाइफ हार्टेड एनर्जी है, काफ़ी जिसे कहते हैं ना फन लविंग एनर्जी है, नया नया प्यार है, नया नया प्यार है। तो उसकी शुरुआत में कैसा होता है, लाइट हार्टेड, फ्लर्टेशियस, एक दूसरे को परेशान करेंगे छोटी मोटी बातों पे, छेड़ेंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो बॉटम ऑफ द डेक में है सेपरेशन का कार्ड। ये वो इंसान है जो अब वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पहले ही आपसे बिछड़ गए थे। यू आर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी क्योंकि अगर आपसे कोई बिछड़ी हुई चीज़ आपकी वापस मिलती है तो अनएक्सप्लेन्ड हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस एंड सक्सेस करियर में। आपने स्ट्रगल किया है नो डाउट क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाफ में आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, यू हैव वर्क्ड सो हार्ड
आसपास कुछ नहीं देखा है, अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित किया है आपने अपने काम पे, यू आर फोकस्ड ऑन इट। आपको सिर्फ दिमाग में ये था कि मेरे पास क्या काम मुझे करना है और आसपास क्या मुसीबतें आ रही हैं, आप पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। आपने ज़्यादा उसके बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया, अपने काम पे फोकस किया, तो ये आसपास की मुसीबतें भी ढल गई, ख़त्म हो गई। जो सूर्य कहीं दूर से उगता हुआ नज़र आ रहा था वो आपके पास ही आ गया। कहने का मतलब है जिन चीज़ों को आपने विश किया था कि आपकी लाइफ में हो वो आपके पास आ गई हैं, आपके प्रत्यक्ष हो गई हैं, आपके सामने आ गई हैं। ओके, लेट मी सी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ये कहता है टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट। तो हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, काफ़ी अपने खुद को मेंटेन किया है ना। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क की पिक्चर है इस कार्ड के अंदर, और ये हमें बताते हैं कि आपने खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया है। इतने चैलेंजेस से गुजरना कोई आसान बात नहीं है। लास्ट 2 ईयर्स आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहे हैं टॉरस। डेवलपमेंट्स हो नहीं रही थी, एफर्ट्स बहुत हो रही थी, पंख तो फैलाकर बैठे हो लेकिन आगे नहीं उड़ पा रहे हो। पोएटिक वे में कह रही हूँ, कहने का ये मतलब है हार्डवर्क कर रहे हो, पूरी तैयारी है उड़ान भरने की, आगे निकलने की, लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं ऐसा लगता था। लेकिन अब ओ माई गॉड, ये जो स्पीड है और ये जो आपका सक्सेस है, माइंड ब्लोइंग टॉरस, आप बहुत खुश हो जाओगे। इनोसेंस, क्लेनलीनेस, इतना तेज है यहाँ पर, इतनी ब्राइटनेस है कि जो भी पीछे जो दुख दर्द ट्रबल्स रही होंगी सब मिट जाएंगी, सब डार्कनेस यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एंड वी हैव थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। जो आप हैं, आपके अंदर ये जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, आपके आसपास के लोग आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट होंगे इस एनर्जी को देख के टॉरस की, वो आपके साथ रहना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, आपकी एनर्जी में ही रहना चाहेंगे। देखिए, जहाँ मोमबत्ती होगी वहीं तो लोग जाएंगे ना उसकी रोशनी को लेने के लिए, या तो उस मोमबत्ती को अपने साथ लेके जाएंगे या तो उसके पास ही बैठेंगे, जलाएंगे उसके पास बैठेंगे ताकि उनको रोशनी मिले अंधेरे में। तो लोगों के लिए आप रोशनी हैं अंधेरे में, आपने स्ट्रगल किया है जिस फेस से आप निकले हैं, जो लोग अभी वहाँ पर ही हैं तो वो आपको अपना आइडियल मानते हैं टॉरस, और आपकी गाइडेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम मी टू यू फॉर द ईयर 2022। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन, मुझे डेफिनेटली बताएगा कि रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए, बाय।